तो देखिए कैसे मैंने जो है कबाड़ से बना डाली अपनी एक गार्डनिंग टेबल। मैं इसके ऊपर बहुत सारे प्लांट्स भी सजा के रख पाऊंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, इसके साथ में हम आपको और चीज़ दिखाएंगे कि किस ढंग से हम इसको जो है, देखिए घास जो है ना कई तरीके की आती है। एक्चुअली मैं लैंडस्केपिंग का भी काम करता हूँ, तो निकलने की कहीं कोई समस्या नहीं है, अच्छी घास है, 25 रुपये स्क्वेयर फीट में माड़ी नहीं है। जब एक ज़माना था जब हमने लैंडस्केपिंग शुरू की थी उस समय 140 रुपये स्क्वेयर फीट आती थी। देखिए इसमें ना दो साइज आते हैं, एक 4 फुट का आता है, एक 6 फुट का आता है। तो आपकी जो इसका मल्टीपल यूज लेंगे अब हम, ये हमारा वेस्ट था बिल्कुल। तो दोस्तों आज हम दिखाएंगे आपको कि कबाड़ का जुगाड़ कैसे होता है। कबाड़ वो ही नहीं होता है जिसको आप कहीं फेंक देते हो, कबाड़ वो भी होता है जिसको आप स्टोर में संभाल के रख लेते हो मगर वो कभी यूज में ही नहीं आता। तो इसी तरह ये एक टेबल थी जो बिल्कुल कबाड़ी हो चुकी थी। देखे यहाँ से भी टूटी हुई है, यहाँ से भी टूटी हुई है, सब तरफ से जो है ये टूट के इसके अस्थि पंजर सारे ढीले हो गए थे और ये ऊपर का भी ये गिरने को तैयार था। और नीचे जो है आप देखिएगा नीचे से ये थोड़ी सही पड़ी थी। इसको स्टोर में रख दिया गया था कि चलो कुछ सामान जो है ये उठाती रहेगी, लेकिन आप देख पा रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें इसकी हिली पड़ी थी। तो ना तो इसको फेंका जा रहा था और ना ये किसी यूज़ में आ रही थी। ये देखिएगा मैं दिखाता हूँ, सब तरफ से ये टूट चुकी थी। तो मेरे को गार्डनिंग के लिए एक टेबल की आवश्यकता थी। आपको पता ही है कि मैं जो है बहुत सारे डिज़ाइन से आपको बना के दिखाता हूँ, पर वो जो मेरे पास टूल था वो छोटा पड़ जाता था और उसमें जो है ढंग से काम नहीं हो पा रहा था। तो मैं बाज़ार से एक नई टेबल ख़रीदने की जो है सोच रहा था कि खरीदें, पर कोई भी टेबल ख़रीदने की सोचता था तो सोचता था कि ये कैसे यूज़ में आएगी। तो बनी बनाई टेबल जो है उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है और उसमें मेरे लिए काम करना संभव नहीं हो पा रहा था। आखिरी में जो है यही डिसाइड किया गया कि ध्यान आ गया कि एक टेबल वहाँ पे पड़ी हुई है तो उसको निकाला जाए। तो अब जो है हम जुगाड़ करेंगे और इसको जो है बिल्कुल इतना यूज़फुल बना देंगे कि ये कई सालों तक मेरा साथ देगी। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके नीचे भी जो है इस ढंग से एक हेल्प वो लगी हुई है जिसमें जो है बड़े आराम से जो है मैं अपने टूल्स और कुछ भी रख सकता हूँ और ज़रूरत पड़ने पे काम कर सकता हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं कि हम कैसे जो है इसका जीर्णोद्धार करेंगे, इसको नया जीवन प्रदान करेंगे इसको। तो अब हमारे पास दो रास्ते हैं कि हम ये सारी जितनी ये रस्सियाँ लगी हुई हैं इन सबको काट दें और यहाँ पे जो है कुछ और बांधें। तो एक एक करके काटेंगे क्योंकि अगर सारी काट देंगे तो ये नीचे ही गिर जाएगी, ये बिल्कुल टूटी हुई टेबल है। तो हम एक एक करके काटेंगे और साथ साथ जो है इसमें लगाएंगे और फास्ट मोड में आपको दिखा देंगे। तो इसके लिए मैं जो है सुतली का यूज़ करने जा रहा हूँ। मेरे पास तार भी है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम तार का इस्तेमाल करेंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम सुतली का करेंगे। तो दोस्तों हमने इसको अच्छे से बांध लिया है, सुतली से भी बांध लिया है जूट की और साथ में लोहे की तार से भी बांध लिया है। अब ये मजबूत हो जाएगी और अब हम इसकी जो है ये प्लास्टिक की थोड़ी सी जो है इनको हटा देंगे, इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सुतली का रंग इससे टैली कर रहा है तो खूबसूरती भी इसकी बनी रहेगी। तो ये जो है आप वीडियो में अंत तक बने रहें, इसके साथ में हम आपको और चीज़ दिखाएंगे कि किस ढंग से हम इसको जो है इसका मल्टीपल यूज़ लेंगे अब हम। ये हमारा वेस्ट था बिल्कुल और किसी काम नहीं आ सकता था, बस कैसे ही पड़ा रह गया, शायद आज के दिन के लिए ही बच के रह गया था। और मेरे लिए बहुत यूज़फुल है क्योंकि जो इसकी हाइट है वो मुझे बहुत सूट कर रही है। बस अब सफिशेंट हो गया है, इसको हम यहाँ से अगर हम पहले ये हटा देते तो हमें बांधने में मुश्किल आ सकती थी,
इसलिए हमने पहले लगे रहने दिया। अब हम इसके ऊपर घास लगाते हैं। देखिए घास जो है ना कई तरीके की आती है। एक्चुअली मैं लैंडस्केपिंग का भी काम करता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी सी इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो लैंडस्केपिंग में जैसे हम जो है घास वगैरह लगाते हैं तो कस्टमर की चॉइस रहती है। ये वाली घास जो है ये 25 रुपये स्क्वेयर फीट आती है। स्क्वेयर फीट का मतलब ऐसे करके एक स्क्वेयर बनाएंगे तो ये 25 रुपये स्क्वेयर फीट आती है, जबकि जो ये घास है ये 80-90 रुपये स्क्वेयर फीट आती है। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे क्या लगाने जा रहे हैं, मतलब किसका कहाँ कितना यूज़ है। तो यहाँ मुझे बहुत महंगी नहीं चाहिए थी, और वहाँ पे हम चलते भी हैं, ऊपर बैठ भी जाते हैं, सामान भी रखते हैं, तो वो प्रेशर से ख़राब नहीं होती है। और दूसरा क्या होता है, जो इसका ये बेस होता है नीचे का वो उसका ज़्यादा मजबूत है, इसका थोड़ा जो है हल्का कर दिया गया है, क्योंकि कॉस्ट गिराने के लिए हल्का कर दिया गया है। दूसरा जो है इसकी जो घास है ये थोड़ा ज़्यादा शाइनिंग उसमें है, और वो थोड़ी जो है नेचुरल लुक के अंदर है, तो ये थोड़े थोड़े फ़र्क होते हैं, तो ये समझ लें। लेकिन इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बड़े मतलब अच्छे से इसको भी जो है घर में यूज़ कर सकते हैं। अगर लाइफ माना एक आध 2 साल कम भी होएगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बहुत अच्छे से स्टिच हुई हुई होती है। तो जिन लोगों को नहीं मालूम उनके लिए मैं शेयर करने जा रहा हूँ ये बात। ये पूरी स्टिचिंग होती है, एक एक दाना इसमें स्टिच होता है, और ये भी जो है ऐसे करके आप देखो निकलेगी नहीं, तो निकलने की कहीं कोई समस्या नहीं है। अच्छी घास है, 25 रुपये स्क्वेयर फीट में, माड़ी नहीं है। जब एक ज़माना था जब हमने लैंडस्केपिंग शुरू की थी उस समय 140 रुपये स्क्वेयर फीट आती थी, जो आज जो है 70-80 ऐसे रुपये मिल रही है। तो मैं ये एक पीस उससे लेके आ गया था क्योंकि मुझे जानता है, तो आप उसे रिक्वेस्ट करेंगे तो दे देगा, पर आप अपना साइज नाप के ले जाएं कि किस साइज से जो है आपको काम करना है, ठीक है। तो ये जैसे हम लेके आए हैं तो ये इसके लिए काफ़ी सही है। तो मैं इसमें जो है इसके नीचे का और यहाँ का दोनों का निकालूंगा, ताकि मैं कोई औजार रखूँ तो कोई चीज़ नीचे ना गिर जाए, तो इसलिए मेरे को नीचे लगाना भी ज़रूरी है इसका। तो पहले मैं जो है नीचे का नापूंगा, और अगर मेरे को कम पड़ा तो मैं इसका यूज़ ले लूँगा। ये देखिए बहुत अच्छा मजबूत, इसके ऊपर जो है ये टोटल निटेड होता है। तो घास के बारे में भी हमने बात कर ली, और साथ में जो है जुगाड़ की भी बात कर ली। तो अब हम जो है सबसे पहले नीचे वाला काटेंगे और उसके बाद में जो है ऊपर वाला काटेंगे। तो इसके काटने के लिए कौन से औजार चाहिए वो भी हम बात करेंगे। देखिए ये हमने नीचे का निकाल लिया, ये यहाँ तक आ रहा है आराम से, थोड़ा और कम कर लेते हैं, ज़्यादा में कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ऊपर का देख लेते हैं कितना चाहिए। तो ये यहाँ हमने हाथ रख लिया और इसको हम अब हम यहाँ से देख रहे हैं, तो ऑलमोस्ट पूरा है, थोड़ा सा कम पड़ रहा है, बहुत थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो हम इसका यूज़ ले लेंगे, कोई बात नहीं। और या फिर दूसरा है कि हम इसको पूरा काट लें और उसको छोटा कर लें, तो ऐसे ही करते हैं, इसको पूरा काट लेते हैं क्योंकि टेबल का ऊपर से लुक ज़्यादा आना है। तो ये हम यहाँ से काट लेते हैं और इसको भी हम यहाँ से काट लेते हैं। देखिए इसमें ना 2 साइज़ आते हैं, एक 4 फुट का आता है, एक 6 फुट का आता है। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप उसको देखिएगा कि आपको जहाँ आपने लगाना है वहाँ 6 फुट वाला लेना सही है या 4 फुट वाला, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है कि 4 फुट और 6 फुट में अंतर है, और दोनों से आपने ही डिसीजन लेना होगा कि आपको कौन से वाले की रिक्वायरमेंट है। तो इसको जो है अब हम यहाँ से कट कर लेते हैं, ये हमने निशान देख लिया है इसका, ये कैंची से बड़े आराम से कट हो जाता है क्योंकि ये हल्की वाली है, ये कट हो जाएगी, लेकिन जो दूसरी ये बड़ी वाली पड़ी है ये कट नहीं होएगी कैंची से, उसके लिए कटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम इसका सेंटर लेंगे, ये देखिएगा ये हमें स्टिचिंग को नहीं काटना है। मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई चीज़ हमारे, अब जैसे लैंडस्केपिंग हम करते हैं तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ्यूचर में आने वाली जो मेरी पोस्ट होगी, मैं आपको लैंडस्केपिंग के बारे में भी बहुत सारी नॉलेज दूंगा। मेरा ये पूरा ही पड़ रहा है, और नीचे का भी जो है बिल्कुल पूरा पड़ा है। तो देखिए ये साइड से कभी कभी ऐसे ये निकलेंगे, तो इसको ज़्यादा खींचना नहीं है, बस आप ऐसे कट कर देंगे एक एक बार, तो बाद में जो है ये तंग नहीं करेंगे। ये जैसे ये आ रहे हैं तो ये जहाँ तक आए आप निकाल दीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा इसको जो है खींचना नहीं है। ऐसे इधर से ये है, जैसे एक आध बार जो निकले हुए हैं इनको निकाल देंगे, फिर ये नहीं निकलेंगे। तो आप भी जो है अपने गार्डन में जो है घास लेके आ सकते हैं,
और अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। ये नीचे का है तो ये जितनी आ रही है इतनी काफी है। ये देखिए हमारा ठीक आ गया बिल्कुल, देखिए नीचे का भी जो है बहुत सुंदर बन गया, ये देखिएगा। तो दोस्तों अब हम जो है इसका नीचे वाला जो है उसको गुलाई देंगे, तो देखिए उसके लिए थोड़ा सा कैसे ध्यान करना है। हम कैंची से ही निशान लगाएंगे।